हर कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। और यहाँ पे जो महारानी तुम्हारी जो कमला, उसने मुझे बेटी से मारा है, अमार के उसने कह दिया मेरे घर से निकल जा। यानी कमला तुम्हें मैं बीमार कर निकल दिया। हाँ तो ठीक है चंपा, तुम मेरे साथ चलो महल को और चंपा को मैं देखता हूँ। आज से इस महल की रानी तुम होगी और घर के बाहर कमला को निकलना होगा। मैं आज से वादा करता हूँ चंपा, मेरे साथ चलो। अगर इसी बात पे तुम छिलने के लिए तैयार हो तो चलिए चलिए। इतना मुझे उसने मारा, किसे किसने बताओ कहां नहीं मारा। चलो अब तो हमारे दिल को तसल्ली हो गई कि हरामजादी चली गई चुड़ैल में जी। अगर ये होती तो ये रात गलती नहीं बैठती, हमें भूलने बैठाती। और देखती हूँ अगर यहाँ आई जब भी जमकर ताना सी जा रहा। Thank you.
आती हूँ मैं, मौत जानूंगी तुझे, ये हार उतार कमला। ये मुकुट ये हार तुरंत उतार दे कमला, तेरे बाप का हार Thank you.
सूरत जाने नहीं चाहिए, आपको फौरन निकालो यहाँ से।
महाराज के पास कि मुझे बहुत जरूरी काम है और सारी बातें महाराज से बताना है। और इस पारी के बीच महामंत्री जी खुश रहो, ये बताओ हमारा जो हमने चंपा भवन बनवा रहे थे हमारा वो 6 बार गिर चुका है, लेकिन ये बताओ मुझे हमारा इस बार वो सही सलामत बन रहा है या नहीं? बन तो रहा है लेकिन महाराज गिर जा रहा है, लेकिन मैंने सुना है कि एक वेद पंडित वेद गांव में, अच्छा वो भविष्यवाणी बहुत अच्छी विचारते हैं, अच्छा अच्छा और मैंने सुना भी और देखा भी, अच्छा गया भी, अगर आपके आज्ञा हो तो मुझे मैं बुला दू महामंत्री। हाँ हमारी इजाजत है वेद पंडित को बुलाया जाए और चंपा भवन के पीछे में पूछा जाए। ठीक है महाराज, आप भेजिए, मैं पंडित जी को अभी ले जा रहा जी। हाँ हमें इसलिए बुलाया गया है, हमारे महाराज बहुत परेशान। क्या महाराज परेशान है? हाँ एक चंपा नाम का महल बनवाते हैं, वो 6 बार गिर चुका है और बस आठवीं बार बन रहा है, लेकिन आशा ये है कि वो भी गिर सकता है। महाराज बहुत परेशान है, इसलिए महाराज को मैंने बताया। महाराज पंडित जी को मैं जानता हूँ, वे अच्छी तरह देखते हैं, विचार भी बहुत अच्छी तरीके से, तो उन्होंने कहा आप उन्हें लेके आइए। चलिए ठीक है, चलिए हमारे पंडित जी। हमने आपको यहाँ तक इसलिए बुलवाए हैं कि हम चंपा भवन बनवा रहे हैं और 6 बार चंपा भवन ही गिर चुका है, ये 7वीं बार है, तो आप अपने इस पत्र में खोल कर बता सकते हैं कि ये चंपा भवन इस बार सक्सेस होगा या नहीं होगा, इसमें हमको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका कारण क्या है? जी महाराज, अगर आप मुझे बुलाए हैं तो इसका कुछ न कुछ तो उपाय होगा ही, मैं विचार कर देखता हूँ। महाराज इसका उपाय तो है, लेकिन क्या आप उस उपाय को सुन सकते हैं? हम भवन के लिए कुछ भी कर सकते हैं महाराज, पर मुझे इस बात का है कि उस उपाय को सुन करके कहीं आप मुझे कुछ सजा न दे। नहीं देख पड़े, खोल कर कहो
दिल खोल कर बोलिए। ठीक है महाराज, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए मेरी बात को। बोलो कहते हैं ये बन जाए, आप जब तक एक बच्चे का बलिदान नहीं करेंगे तब तक वो महल तुम्हारा सक्सेस नहीं होगा। ठीक है पंडित जी, आप महामंत्री जी पंडित जी को कुछ बिदाई दे दो और पंडित जी चले घर को। ठीक है महाराज, सोचते हैं। अभी देख लेता हूँ।